हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और हमारा कैलकुलस चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है। आपको मालूम है, आप सारे वीडियो देख लिए होंगे। और अभी तक हमने अवकलन करना सीखा, अवकलन के पूरे डिफरेंट फॉर्म को हम पढ़े, और डिफरेंशिएशन करना हमारा लगभग अब बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। इतने दिनों में आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, अभी हमने जो डिफरेंशिएशन किया, dy/dx किया, अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर उसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसका। तो एप्लीकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होंगे, स्टेटमेंट होंगे, कथन होंगे। तो चूंकि मेरा मैथमेटिक्स का क्लास बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कथन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं इसके एप्लीकेशन को आपको NCERT की बुक से करा रहा हूँ, ध्यान रखना। NCERT बुक को कवर कराऊंगा मैं, और NCERT बुक्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन देखूंगा मैं। तो मैं क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का जो कथन है, उसको अपने बोर्ड पर इंग्लिश में डिस्प्ले करूँगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान मत होना, उसको कम्प्लीट हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में आपको समझाऊँगा, पूरा समझ में आएगा। और यदि आपको उसका स्टेटमेंट को परमानेंट पढ़ना है, समझने के लिए नोट्स बनाना है, तो आपके पास तो हिंदी मीडियम का NCERT का बुक होगा, नहीं होगा तो आप रखिए, बहुत अच्छा बुक है, बहुत जरूरी बुक है वो, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए। तो मैं 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को उठ के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसमें मिलेगा, ठीक है। तो अवकलज के अनुप्रयोग, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे, सबको हिंदी में बताऊँगा मैं आपको। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो निकालते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल हम बताते हैं सबसे पहले, वो निकालते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालते हैं हम इस चैप्टर में, परिवर्तन की दर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, परिवर्तन की दर। ये परिवर्तन की दर क्या है, देखो, किसी भी क्वांटिटी के, वैसे इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एक तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कह सकते हो आप इसको। परिवर्तन की दर का मतलब होता है, जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कोई ये वृत्त है, मान लो अब ये वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, ये अभी त्रिज्या इसका r था, अब हमने इसके त्रिज्या को r+δr कर दिया, उसका बढ़ा दिया त्रिज्या को। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि जब त्रिज्या बढ़ेगा तो त्रिज्या के बढ़ने से क्या होगा, उसका परिधि भी बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो ये परिवर्तन की दर निकालते हैं, और हम जनरली क्या होता है, ये जो दर होता है उसको किसके सापेक्ष निकालते हैं, समय के सापेक्ष निकालते हैं। दर को हम समय के सापेक्ष निकालते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में यदि परिवर्तन की दर को किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो उसको बता दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². अब इसमें परिवर्तन की दर निकालना है मुझे समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालूंगा तो उसको क्या करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, dA/dt, मतलब समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो राइट हैंड साइड का भी मैं क्या करूंगा, dA/dt आप πr², इस तरह से करूंगा। यदि इसी को परिवर्तन यदि हम त्रिज्या के सापेक्ष करें, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष भी तो इसका क्षेत्रफल बदल रहा है, तो यदि हम उसको त्रिज्या के सापेक्ष करें, क्वेश्चन में क्लियर रहेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से हम त्रिज्या उसको पहचानेंगे। तो त्रिज्या के सापेक्ष करना होगा तो dA/dr करेंगे, और यह हो जाएगा dA/dr ऑफ πr². इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, यह है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये समय के सापेक्ष परिवर्तन दर, ओके। तो ये परिवर्तन की दर हम इस तरह से निकालेंगे। अभी अब ज़्यादा इसमें कुछ फार्मूला है नहीं, अब आपका फार्मूला ज़्यादा यूज नहीं होगा, अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम डिफरेंशिएशन के बहुत से फार्मूला याद किए, और फार्मूला के बेस पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, लेकिन अब फार्मूला तो यूज़ होगा लेकिन कम यूज़ होगा। अब बेसिकली हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपको कथन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या आपको ज्ञात करने दिया हुआ है, और आपको ज्यामिति और क्षेत्रमिति के फार्मूले याद होने चाहिए। तो इसका मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगा। आज जो मेरा पहला पार्ट है,
इसमें सामान्य और इजी क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको मैंने रेफरेंस बता दिया, क्योंकि क्या होता है इधर उधर से क्वेश्चन कराता तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट भटकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से करें, लेकिन एनसीईआरटी होने से आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट, अब आपके पास जो टेस्ट बुक है एनसीईआरटी का उससे आप कर सकते हैं। वैसे जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मस्ट कंपलसरी है, और जो स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत से राइटर्स जो क्वेश्चन लिखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर कवर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे चल के जब आप आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को आपको अच्छे से करना चाहिए, क्लियर। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन इसका कराता हूँ। पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा तो बोर्ड से आप क्वेश्चन को पढ़ लो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं उसको क्या करूँगा हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगा। तो आप बोर्ड से क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपको एक बार रीड करके सुना रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, देखो यहाँ पर लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन, ये स्टेटमेंट को आप बोर्ड से पढ़िए। बोलता है हमारे पास एक वृत्त है, एक चित्र बनाने की जरूरत नहीं होता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता देता हूँ मैं। ये हमारे पास कोई वृत्त है, अभी मैंने इसी तरह क्वेश्चन बताया था, और बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए, जबकि इसका पहला क्वेश्चन बोलता है आर क्या हो 3 सेंटीमीटर हो। बोलता है क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, ये फाइंड करने बोलता है डी ए बाई डी आर, ये ज्ञात करो कब, जब आर कितना हो 3 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तभी आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर, क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझ में आया। एक वृत्त है अपने पास, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ चेंज ऑफ, है ना, और जब उसका त्रिज्या क्या हो 3 सेंटीमीटर हो। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो चूंकि ए इक्वल टू होता है क्या पाई आर स्क्वायर, अब वो बोला है क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष बोला है, तो त्रिज्या के सापेक्ष बोला है, तो क्या करेंगे अपन, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वेयर, दैट इम्प्लाइज डी ए बाई डी आर इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है तो पाई क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया दैट इक्वल, ये 2πr हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब उसका रेडियस क्या हो 3 सेंटीमीटर हो, तो हमको क्या करना है, रेडियस को वहाँ पर पुट अप कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा डी ए बाई डी आर। वैसे इसको लिखने का तरीका है ब्रैकेट लगाओ और r इक्वल टू 3, यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे भी चलेगा क्योंकि ऊपर तो हम लिख रहे हैं। तो ये r इक्वल टू 3 पुट करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 2 × π × 3, दैट इक्वल कितना आएगा 6π, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट लिखना चाहें हम तो ये एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, खाली मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस भी मीटर, तो खाली मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 6π इसका आंसर, क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से क्योंकि यूनिट से हमको पता भी चलता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। पर सेंटीमीटर लिखने का मतलब है कि इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, और सेकंड तो बन जाएगा आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो बोलता है। यहीं पर बता देता हूँ मैं इसको, इसका सेकंड पार्ट यदि बनाना है तो क्या, जब आर इक्वल टू क्या हो 4 सेंटीमीटर, तो काम तो वही करोगे, बस वैल्यू को आपको पुट कर देना है, तब क्या हो जाएगा ये डी ए बाई डी आर आर इक्वल टू 4, तब क्या हो जाएगा ये 2 × π और × 4, ये हो जाएगा 8π,
ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है कि आपका नया चैप्टर है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर हम कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम पर ही डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले एक तो उतना इंग्लिश समझ भी सकते हैं और ना भी समझें, तो मैं तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ और बाद में अपने एनसीईआरटी की बुक से उसको पढ़ लेना है। या मेरा एक सजेशन है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एक्सरसाइज को आप इस वीडियो को देखते समय सामने खोल के रखिए, अपने बुक को सामने खोल के रखिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्वेश्चन तो अवेलेबल है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्या दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ बताना मुश्किल है? पूरा बोर्ड तो मेरा क्वेश्चन से ही भर जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी को इंग्लिश में समझना कठिन होता है, लेकिन इंग्लिश को हिंदी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, यहाँ बोर्ड में आप क्वेश्चन को देखो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ यहाँ पर। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/s। देखो यही से आप समझना, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अपने पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब माने घन, ये अपने पास एक घन है और इसका जो आयतन है, घन का जो आयतन है वो वी इक्वल टू, हमको पता है, मान लो घन की एक भुजा, द लेंथ ऑफ वन साइड्स ऑफ द क्यूब इज ए, तो घन का जो क्षेत्र आयतन होता है वह क्या होता है, ए क्यूब, मान लो हमने मान लिया ए, ठीक है, घन की भुजा, मान लो घन की भुजा क्या है, एक्स है, लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब, तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/s। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं आपको यहाँ पर गिवन लिख रहा हूँ, क्या dv/dt, कैसे पता चला dv/dt, यूनिट में लिखा है, देखो cm³/s, 8 cm³/s, ये पर सेकंड से पता चल गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, इसी बात को मैं आपको ही बता रहा था। तो ये हो गया dv/dt। फिर आगे क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, बोलता है कि सरफेस एरिया ये गिवन है और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फाइंड करना है, ज्ञात क्या करना है, ds/dt, मतलब किस रेट से उसका सरफेस एरिया, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6x², ये होता है, ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन होता है एक्स क्यूब और उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया माने पृष्ठ क्षेत्रफल, वो 6a² होता है। तो ये किस रेट से बढ़ रहा है ये हमको फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्लियर, ये बात आपको दिया है कि आयतन इस दर से बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया किस दर से बढ़ेगा, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको पता है इसके आयतन का क्षेत्रफल, तो चूंकि इसका आयतन, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, चूंकि हमको पता है कि v=x³ होता है, देयरफॉर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि dv/dt हमको दिया है, तो यह हो जाएगा dv/dt = d/dt ऑफ x³, ये होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ देखो dv/dt हमारे क्वेश्चन में दिया है क्या, 8 cm³/s, तो हम इसका वैल्यू को पुटअप कर देते हैं क्या, 8, और यहाँ पर dv/dt ऑफ x³, तो x³ का यदि हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 3x² dx/dt। ठीक है, चैन रूल से अपन करेंगे, तो चैन रूल से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x³ का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह 3x² होगा और x का t के सापेक्ष दोबारा हो जाएगा तो हो जाएगा dx/dt, तो 8 = 3x² dx/dt हो जाएगा। दैट इंप्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से dx/dt का वैल्यू फाइंड कर लो, तो dx/dt = इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो हो जाएगा 8/3x², ये दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, सपोज ये मिल जाएगा अपने को dx/dt। क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या, इफ एज इज 12 cm, हाँ वही मैं देख रहा था, एक गिवन लिखना भूल गया था, जब x कितना हो, 12 cm हो, क्वेश्चन में हमको ये भी दिया है कि x का मान क्या हो, 12 cm हो, उसको बाद में पुट अप करेंगे, अभी से नहीं करते। अब वो बोला है कि ds/dt फाइंड करो, तो अगेन
अगेन चूंकि हमको पता है कि s इक्वल टू क्या होता है 6x² होता है, देयरफॉर ये हो जाएगा ds by dt, तो यहाँ पर भी d by dt आप 6x² होगा, that equal to 6, और x square का differentiation कितना होगा 2x होगा t के सापेक्ष में, और x का दोबारा हो जाएगा तो हो जाएगा dx by dt, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो जो वैल्यू यहाँ से अपने को पता है उसका वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं, तो dx by dt का वैल्यू अपने को पता है और किसका वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 12 के लिए, तो वैल्यू को पुटअप करो फिर, तो क्या हो जाएगा ये 6 × 2 × x के वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे अपन, x इंटू x के साथ में मल्टीप्लीकेशन का कन्फ्यूजन मत, डाट लगा दिया, dx by dt का वैल्यू ये अपने पास है 8 upon 3x square, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एक x इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, तो कितना हो जाएगा ये 32 4 × 8 32 और अपान क्या होगा x। अब हमको x के वैल्यू को पुटअप करना है, ये 12, तो देयरफॉर ds by dt इक्वल टू 32 upon 12, ठीक है, तो हो जाएगा 2 से कैंसिल करा दो पहले, 32 upon 12, 2 6 जा और 2 16 और 2 3 जा 2 8 जा 8 4 32 8 upon 3 और ये यूनिट क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8 upon 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो cm² per second, ये हो गया आपका ds by dt का वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आसान है, बस 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कि पहला कि जैसे घन बोला तो घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं आपको शुरुआत में ही बोल दिया कि यदि आपको ज्यामिति का और क्षेत्रमिति का सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए एक बार ज्यामिति का वृत्त है आयत ये सब तो आपको ऐसे ही पता होगा, फिर घन घनाभ शंकु ये सब, इसके दो सूत्र, इसके आयतन के सूत्र और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आज तो मैं फर्स्ट पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास है एप्लीकेशन का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा मतलब कंटिन्यूस उसको क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, इस चैप्टर में मैंने डिसाइड किया है कि एनसीईआरटी को कराया जाए पहले, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आप रीड करिए बुक से, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है, आप मैं रीड कर रहा हूँ, आप बोर्ड में डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, देखो द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s, एक सर्कल है उसका जो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, ठीक है, रेडियस मतलब dr/dt, पहली बात यह कि गिवन क्या है, सर्कल है ध्यान रखना, ठीक है, अब सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग मतलब dr/dt ये दिया हुआ है, गिवन आपको सबसे पहले ध्यान रख 3 cm/s, क्लियर, ये आप समझते जाओ कि कौन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन जैसे है एरिया dA/dt, बस उसमें क्या है रेडियस के रेस्पेक्ट में था, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है फाइंड करना है, जब रेडियस को कितना दिया है, रेडियस दिया है उसने 10 cm, जब रेडियस 10 cm हो तो ये हमको फाइंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिंस अपने को पता है एरिया क्या होता है πr², तो हो जाएगा dA/dt इक्वल टू d/dt ऑफ πr²
दैट इक्वल टू, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, और आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2r होगा, और r का अगेन होगा क्योंकि रेस्पेक्ट टी है, तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी। क्लियर? तो यह हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है, इसीलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 3 cm/s। दैट इक्वल वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो पाई 2π इंटू आर, और इसका वैल्यू 3 cm, 3 दैट इक्वल ये हो जाएगा 6π इंटू आर। अब 10 cm, ठीक है, तो r इक्वल टू दी 10 cm हो तो r का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एन बाई डी आर, एंड r इज 3 cm, तो वैल्यू सॉरी 10 ना 10 cm पुट अप कर दो, तो 10 का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देने क्या हो जाएगा 6 × π × 10, दैट इक्वल टू हो जाएगा 60π, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 65। तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये हो गया 65। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है, एक्चुअल में एप्लीकेशन पढ़ने पर ही पता चलता है कि एक्चुअल में हम जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं उसका काम क्या है। ये सभी क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि हम अवकलन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। अब हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, ठीक है, और उसके भुजा x मान लिए, तो डी एक्स बाई डी टी 3 cm/s, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3 cm/s, इस रेट से वो बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 cm लॉन्ग। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब हमको पूछ रहा है डी वी बाई डी टी किस रेट से बढ़ रहा है, जबकि x को उसने दिया है कितना, x का वैल्यू दिया है उसने 10 cm। तो क्यूब का क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं, अब क्या करेंगे आप समझ गए, ये आपको फाइंड करना है, तो क्यूब का क्या पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम का फार्मूला तो अभी हमने किया है, पता है, चूँकि वी इक्वल टू होता है एक्स क्यूब। अब टी के रेस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, 3x² × dx/dt, दैट इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3x² × dx/dt का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, तो यह हो गया 9x². ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब इफ शुरुआत का क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन का करना है। डी वी बाई डी टी ऑफ x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो 9 × 10² दैट इक्वल टू 900, ठीक है 900 cm³/s, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत। आज फर्स्ट डे का क्लास है, धीरे धीरे ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपकी प्रैक्टिस होएगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो पहला क्लास में आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और हम इसके पूरे क्वेश्चन को कराएंगे आपको, इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, एग्जाम्पल वगैरह आप अपने से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखो। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए क्विट लेक एंड वेब्स मूव्स इन सर्कल। एक पत्थर को हम क्या करते हैं, एक झील में गिरा देते हैं, तो आपको पता है ऐसे क्या होता है, वेब्स बनते जाता है, इस तरह से वेब्स के बारे में बात कर रहा है। इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 cm/s, 5 cm/s इसका स्पीड है, 5 cm/s, तो स्पीड आपको पता है कि स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, डिस्टेंस के, तो ये इसका रेडियस r है, तो वो दिया है डी आर बाई डी टी, क्योंकि स्पीड मतलब होता है वेग, तो वेग हम क्या करते हैं, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करके निकालते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो डी आर बाई डी टी, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है उसने 5 cm/s, ये हो गया 5 cm/s,
इसके बाद एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस क्या हो, रेडियस जब 8 सेंटीमीटर हो तो उस कंडीशन में हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो इसका इनक्लोज एरिया मतलब वो पूछ रहा है डी ए बाई डी टी किस रेट से बढ़ेगा। क्वेश्चन को समझो, हमने एक शांत जल में लेक में क्या किया, पत्थर गिरा दिया, पत्थर गिराया तो क्या बना, उसका वेव्स बना। तो यदि रेडियस इस रेट से बढ़ रहा हो तो जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था, जब इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर रहेगा तो किस रेट से उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहेंगे, सिचुएशन को बहुत तरीके से बना दिया जाएगा, लेकिन फाइनली क्वेश्चन में करना वही है सभी क्वेश्चन में जो अपन करते आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू आएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इक्वल, ये पाई कांस्टेंट है और इस आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में भी कई बार कर चुके अपन, ये तो डी आर बाई डी टी होएगा दैट इक्वल टू पाई। अब पूरे वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, 2 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ये, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यह हो गया 80 पाई, ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से क्या हो रहा है, लेक में जो वेव्स बन रहे हैं उसका एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, वही क्वेश्चन इस तरह से, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस रेट से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, वाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अच्छा, इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये हमको फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस को सपोज हमने सपोज कर लिया सी, सर्कमफेरेंस को सी सपोज कर लिया, तो डी सी बाई डी टी किस रेट से फाइंड हो इंक्रीज हो रहा है ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो चूंकि सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, तो परिधि किस रेट से बढ़ रही है हमको निकालना है, तो सी इक्वल टू अपने को पता है क्या होता है 2 पाई आर, देयरफॉर ये हो जाएगा डी सी बाई डी टी, तो सी का टी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर, तो डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर दैट इक्वल 2 पाई कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी दैट इक्वल टू 2 पाई। अब क्वेश्चन में बोला है डी आर बाई डी टी कितना है 0.7, ये हो जाएगा, तो 2 इंटू इसको 22/7 कर दें, इसको 0.7, ठीक है, तो ये टेंजा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ये 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या पाई के फॉर्म में आंसर देना चाहे, एनसीईआरटी बुक में इसका पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, तो पाई के फॉर्म में आंसर दोगे तो यहीं से हो जाएगा क्या 1.4 पाई, ठीक है 1.4 पाई। या यही होगा ना, ठीक है ना, वन पॉइंट फोर पाई, ठीक है, देखिए तो ये आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, पाई के वैल्यू पुट अप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसी फॉर्म में दिया है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में जनरली आंसर को दे देना चाहिए, इस चैप्टर में आप पाई का वैल्यू पुट करने चक्कर मत रहना, हालांकि यहाँ पर मुझे आसान लगा तो इसको मैं कर दिया, ठीक है, आप ऐसे ही दे दो, बुक से आंसर टेली करोगे तो 0.7 ही दिया हुआ है, ये हो गया 45 ये आंसर, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इतने क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट पार्ट में आप इसको
तैयार करिए अच्छे से, और इतने क्वेश्चन से कम आइडिया ये हो जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे बनाने हैं। तो वो स्टेटमेंट आप देखो बोर्ड पर, और ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बोलता है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पर मिनट दिया है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एक आयत है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम x सपोज कर लिए, इसको y सपोज कर लिए, तो उसने दिया है dx by dt, मतलब उसका ये जो लेंथ है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है लेंथ हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट इस रेट से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। और dy by dt, ये dy by dt ये हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बोलता है जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इक्वल टू क्या हो 6 सेंटीमीटर हो, जब x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो दो चीज़ पूछा है, पहला पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिधि, ठीक है, वो दोनों पूछा है, पेरीमीटर भी पूछा है और दो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर को अपन पी से रिप्रेजेंट कर दें, तो सब ये पूछा है डी पी बाई डी टी फाइंड करना है पहला, और दूसरा आपको फाइंड करना है इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डी ए बाई डी टी, ये दो चीज आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब पहले का सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, हम इसका फर्स्ट पार्ट को देखें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, सबका सम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 2x प्लस वाई। तो सिंस अपने को पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर p इक्वल टू होता है 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो dp बाई डी टी इक्वल टू 2 कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी टी, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी, दैट इक्वल टू 2 dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 प्लस dy बाई dt का वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, ठीक है 18 और सेंटीमीटर पर मिनट बोला है तो मिनट, ये पहला आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पर मिनट, पेरीमीटर इस रेट से इसका इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में बोला है, ये सेकंड पार्ट में बोला है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड विच वाई इज इंक्रीजिंग, अच्छा इसको डिक्रीजिंग बोला है, लेंथ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया ना, डिक्रीजिंग बोलेगा तो माइनस लेना है। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, जब किसी भी वैल्यू को, चाहे क्षेत्रफल हो, आयतन हो, लंबाई कुछ भी हो, त्रिज्या हो, घटने की बात करेगा डिक्रीजिंग तो माइनस लेना है, और इंक्रीजिंग की बात करेगा मतलब बढ़ने की बात करेगा तो क्या लेंगे, उसको प्लस लेंगे। तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, शुरू में बोला है रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो इसके वैल्यू को अपने को माइनस में लेना पड़ेगा, सॉरी माइनस में लेना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर ठीक है माइनस लिख दिया, तो यहाँ पर वैल्यू को माइनस में पुट अप कर दो तो फिर ये आंसर बदल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इक्वल टू -1, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट, माने उसका पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो उसका जो परिमाप है, पेरीमीटर मतलब क्या परिमाप, इसका जो परिमाप है वो इस रेट से घटेगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों होगा, ये माइनस साइन बताता है डिक्रीज होगा, मतलब ये क्या होगा घटेगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर के पोर्शन को देखो, सेकंड नंबर के पोर्शन में क्या है, इसका एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो चूंकि एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लेंथ इनटू विड्थ होता है, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू, अब टू फंक्शन के प्रोडक्ट से होगा तो एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इक्वल टू, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू dy by dt, dy by dt का वैल्यू दिया हुआ है तो 4, और प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है
6 और dx by dt का वैल्यू दिया है -5, डिक्रीजिंग है तो हो गया 32 और -30 दैट इक्वल टू 2 m² per minute, सेंटीमीटर है शायद ना सर, सेंटीमीटर है। तो ये 2 आया, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है 2 cm per minute। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात ये है कि पेरीमीटर उसका जो परिमाप है वो तो घट रहा है लेकिन ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो ये मैं 7 क्वेश्चन आपको इसमें से कराया और इतने क्वेश्चन में क्या होगा, आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हो गया होगा और हम सेकंड पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैं इसमें NCERT के ही एक्सरसाइज 6.1 को करा रहा हूँ, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश मीडियम में डिस्प्ले किया, हिंदी में कंप्लीट ट्रांसलेट किया, हिंदी मीडियम वाले अपने बुक से उसको टेली करके पढ़ ऐसा समझ में आ जाता है, इतना इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है मुझे मालूम। ओके ओके, थैंक यू।